नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C21 वर्सेस Moto G30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme C21 में 3.01 इंच जबकि Moto G30 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme C21 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme C21 में 0.35 इंच जबकि Moto G30 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C21 में 190 ग्राम्स जबकि Moto G30 में 197 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme C21 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C21 में 80.82% जबकि Moto G30 में 81.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme C21 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Moto G30 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme C21 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Moto G30 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme C21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Moto G30 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme C21 में पावर GE8320 जबकि Moto G30 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C21 में MediaTek Helio G35 और Moto G30 में Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि Moto G30 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Moto G30 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme C21 में अप टू 256GB जबकि Moto G30 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme C21 में Android V10 Q जबकि Moto G30 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 7,999 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें मोटो G30 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme C21 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G30 की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Moto G30 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में Moto G30 आगे है, परफॉर्मेंस में Moto G30 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 है जो कि 8,799 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F12 है जो कि 8,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme C12 है जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 30A है जो कि 9,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।